यस गाइस, आई एम बैक विद फिफ्थ एंड फाइनल लेक्चर ऑफ हीट। क्लियर है, हम लोग ने बहुत कुछ देखा अभी तक। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटेंट हीट का डेरिवेशन, फिर रेगुलेशन, फिर एनोमलस बिहेवियर, ठीक है, उसके टाइप्स, उसका रीजन, उसका वेरिफिकेशन, फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है, हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल, कैलोरीमेट्री देखेंगे आज, और फिर खत्म, बस यही है, और ड्यू पॉइंट एंड इमेजरी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बेसिक सम्स है अपने को, ज्यादा कुछ एकदम डिटेल में सम्स नहीं है, बट अपने को समझाया। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब स्टेट चेंज होता है तो क्यू इज इक्वल्स टू एम एल, एंड जब टेम्परेचर चेंज होता है तो क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन कर लिया। अब तुमको ध्यान रखना है कि जब दोनों का तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हीट जो था पहले कैलोरीज में मेजर होता था, इसके लिए हीट को मेजरिंग डिवाइस जो है, जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर है, वैसे हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर, क्या है, कैलोरीमीटर। और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरीमेट्री, एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट इज नोन एज कैलोरीमीटर। चलो उतना तो समझा। अब ये कैलोरीमीटर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैलोरीमीटर आते हैं, जैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आ चुके हैं, कॉपर कप कैलोरीमीटर, कप कैलोरीमीटर, इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैलोरीमीटर अब अवेलेबल। हमारे सिलेबस में जो दिया अभी फिलहाल के लिए, दैट इज कप कैलोरीमीटर। अब कप कैलोरीमीटर का जो अरेंजमेंट है वो तुम लोग समझ सकते हो कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्या है मैं बता दूं, तो यहां पे बेसिकली एक वेसल होगा, ठीक है, वो वेसल जो है जनरली मेटल का बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद में वेसल के अंदर कुछ पानी फिल किया हो, पानी भी हो सकता है, कुछ लिक्विड भी हो सकता है, बट जो लिक्विड ऐसा होगा जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है ताकि ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाए। इसमें एक स्टरर भी प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, एक स्टरर भी प्रोवाइड किया होगा। अब ये स्टरर जो है, ये स्टरर ऐसा ऐसा नहीं है, ऊपर और नीचे खींचने के लिए, तो ऐसे स्टर करेगा बेसिकली, थ्रू आउट सेम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इसके लिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। अब अगर इसका बाहर का, अगर ये जो सरफेस है ये कॉपर का बना हुआ है, तो बन जाएगा कॉपर कप कैलोरी मीटर। ठीक है, दूसरे मेटल का होगा तो वो दिया रहेगा उसका, जनरली ये कॉपर का होता है, ठीक है, अंदर जनरली पानी होता है क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, और कोई लिक्विड भी फिल कर सकते। नाउ ये स्टरर जो है अप्रोक्सीमेटली है ना जीरो हीट एब्जॉर्ब करता है ऐसा माना जाता है, ठीक है, और अगर स्टरर नहीं भी प्रोवाइड करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमको एकदम ही एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए तो स्टरर मत प्रोवाइड करो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। और यहां पे ऑब्वियसली एक लीड होता है, ठीक है, जो लीड जो है वो खुलता है और बंद होता है, बट ये लीड जो है ये बेसिकली एक इंसुलेटर से बना हुआ ताकि हीट बाहर फ्लो ना होने दे, बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो हीट को ना तो बाहर से अंदर आने दे ना अंदर से बाहर जाने दे, ये रिफ्लेक्टिंग रहेगा बाहर से, सिल्वर प्लेट रहेगा, प्लेन मतलब किया रहेगा पेंट ना, ये खुलता है, कुछ तो सब्सटेंस है उसको हम लोग अंदर भेजते। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को यहां पे हीट मेजर करना है तो कैसे करूंगा, तो इस सब्सटेंस के पास कितना हीट है वो मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सब्सटेंस का मास तो पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वाटर का मास मेरे को दिया रहेगा MW, M1 है, कॉपर कैलोरीमीटर ये M2 और ये M3, इसका कैलोरीमीटर का भी मास दिया होगा मेरे को, मैं कॉपर नहीं अभी फिलहाल के लिए कैलोरीमीटर लिख रहा हूं, ठीक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा और वो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि भाई कैलोरीमीटर के अंदर ही पानी भरा हुआ है, तो जितने टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर है उतने ही टेम्परेचर पे पानी भी होगा। इसका इनिशियल टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं,
मैं इसको अंदर भेजूंगा, ठीक है। अब बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल, अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पे, इफ टी वन डैश इज ग्रेटर देन टी वन, एम वन विल रिलीज हीट एंड एम टू एंड एम थ्री विल एब्सॉर्ब, ठीक है। अरे भाई अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये रिलीज करेगा और ये दोनों एब्सॉर्ब करेगा। इफ टी वन डैश इज लेस देन टी वन, एम वन विल एब्सॉर्ब हीट एंड एम टू एंड एम थ्री विल रिलीज हीट। अबे ऑब्वियस बात है भाई कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो एब्सॉर्ब करेगा, जिसका टेम्परेचर कम वो रिलीज करे। बट मेरे को पता है रिलीज करे या एब्सॉर्ब करे, जितना हीट ये देगा उसको, जितना हीट ये देगा अगर टेम्परेचर इसका ज्यादा है तो जितना हीट ये देगा वो कौन कौन लेगा, कैलोरी मीटर भी लेगा और पानी भी लेगा। अगर पानी और कैलोरी मीटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी और कैलोरी मीटर उतना ही हीट देगा जितना ये लेगा, तो क्या होगा, हीट गिवन इज हीट एब्सॉर्ब, ये अपने को पता है, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा है हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल में। हीट गिवन अगर मैं इसकी बात करूं, ये हाई टेम्परेचर पे है फिलहाल के लिए, सिर्फ इफ टी यहां पे टी वन डैश इज ग्रेटर देन टी वन, क्लियर है, टी वन डैश इज ग्रेटर देन टी वन, तो ये क्या हो जाएगा, एम वन सी वन, ये सी वन, ये सी टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, क्लियर है। कैलोरी मीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेंशन रहेगा उसके ऊपर, वाटर का तो अपने को पता है कितना है, वन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इसका फाइनली फाइंड करना है, ठीक है, इसका फाइंड करना है, फिर हम लोग हीट मेजर कर लेंगे एमसी डेल्टा टी से, ठीक है, इसका हीट मेरे को फाइंड करना है। तो एम वन सी वन डेल्टा टी वन, डेल्टा टी वन अगर ये ज्यादा है ये कम है तो टी वन डैश माइनस टी वन होगा, और टी वन डैश माइनस टी कोई दूसरा ही टेम्परेचर लेगा, मैं वापस पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये हो जाएगा एम टू सी टू टी माइनस टी वन प्लस एम टू सी टू एम थ्री सी थ्री टी माइनस टी टू, इसमें कॉमन टी माइनस टी टू एम वन सी वन डैश टी माइनस टी वन एम टू सी टू, एम वन और टी वन डैश माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा टी माइनस टी वन एम टू सी टू अपॉन एम वन इंटू टी वन डैश माइनस टी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे, अभी पूरा वापस से देखते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो हमारे पास एक कैलोरी मीटर है, वो कैलोरी मीटर जो है उसमें क्या है, कोई तो लिक्विड फिल किया हुआ, कोई तो लिक्विड लेते हैं हम लोग, पानी नहीं लेते, ठीक है, कोई तो लिक्विड फिल किया हुआ है, लिक्विड और एक थर्मोमीटर यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ रहेगा मेजर करने के लिए। चलो अभी ध्यान से सुनना, थर्मोमीटर इंसर्ट किया, अभी ध्यान से सुनना, ये कैलोरी मीटर के ऊपर हमेशा कभी भी वो कैलोरी मीटर का मास और वो लिक्विड का मास स्पेसिफाइड होता है, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी भी स्पेसिफाइड होगा, नहीं तो हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर कॉपर है तो 0.1, अंदर लिक्विड पानी भरा हुआ है तो 1, तो फिर जनरली स्पेसिफाइड नहीं करेंगे, बट मास स्पेसिफाई किया रहेगा। क्या मैं ये टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर जो इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो T1 तो दोनों का सेम, अब मैंने लीड खोला, इसमें कुछ एक सब्सटेंस मैंने अंदर डाला जिसका मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है और हीट कंटेंट भी फाइंड करना है, तो मैंने उसको अंदर फील कर दिया, इसका मास में मेजर कर सकता हूं, पहले वो मास है M1, क्या मैं इसका टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर बाहर वाला T1 डैश, स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं पता है, ठीक है। नाउ अभी दो केस हो सकता है, इफ T1 डैश इज ग्रेटर देन T1, M1 will release it, अगर ये बड़ा है तो ये रिलीज करेगा और एब्सॉर्ब कौन कौन करेगा, लिक्विड और कैलोरी मीटर, देन M2 एंड M3 will absorb it, if T1 dash is less than T1, M1 will absorb it and M2 and M3 will release it। हम लोग ने कंसिडर किया केस T1 dash is greater than T1, तो हीट ये देने वाला और ये हीट एब्सॉर्ब करेगा,
कितना एट देगा ये एम वन सी वन टी वन डैश माइनस टी, माइनस टी कौन सा है, माइनस टी जो बाद वाला टेम्परेचर, इसका बाद वाला टेम्परेचर टी, इसका बाद वाला टेम्परेचर टी, इसका भी बाद वाला टी, ऐसा कैसे? अरे भाई बाद में मिक्सचर जब हो जाएगा एक टाइम के बाद में तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा बाद में थोड़े टाइम के बाद। जब मैं बात करूं चाय को, मैं सराउंड लेके आता हूँ गरम गरम चाय का कप और रख देता हूँ रूम के अंदर, तो क्या वो ठंडा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है और जम जाता है क्या? नहीं, वो रूम टेम्परेचर पे आके स्टॉप हो जाता है, मतलब जितना दे सकता है उतना ही, फिर एक बार दोनों का टेम्परेचर सेम तो खत्म। यहाँ पे भी फिर पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर सेम, सॉरी, बट ये हीट दे रहा है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टी वन डैश बड़ा होगा सबसे, तो टी वन डैश टी से भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा एम वन सी वन टी वन डैश माइनस टी। हीट एब्जॉर्ब कौन कौन करेगा, कैलोरी मीटर भी और उसका लिक्विड भी। कैलोरी मीटर कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, एम टू सी टू, अब टी बड़ा होगा क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो बाद वाला टेम्परेचर बड़ा पहले वाला टेम्परेचर कम, तो टी माइनस टी वन प्लस ऑफ लिक्विड ने कितना एब्जॉर्ब किया एम थ्री सी थ्री, टी बाद वाला बड़ा टी वन जो है वो कम रहेगा। अब दोनों में कॉमन टी माइनस टी वन कॉमन, अंदर क्या बचेगा एम टू सी टू प्लस एम थ्री सी थ्री, सॉरी यहां पे भी क्या होगा फिर एम टू सी टू प्लस एम थ्री सी थ्री, क्लियर है? अब यहां पे एम वन पता है मेरे को, टी वन डैश माइनस टी मैं फाइंड कर सकता हूं, तो ये इस साइड आएगा, स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा, फिर क्या क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, ये अप्लाई करना है मेरे को हीट इक्वेशन और मेरे को हीट कंटेंट मिल जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। हाँ या ना, क्लियर है? तो ये पूरा कैलोरी मीटर का प्रोसेस था, क्लियर है? कॉपी करो, थ्रू आउट अच्छे से कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते और स्टार्ट करते हैं सम लोग। चलो सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे पहले। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। If water at 20 degree centigrade is to be converted into 2 kilogram ice at 0 degree centigrade, how many grams of ammonia are to be evaporated? अब liquid ammonia is basically NH3, ठीक है? तो वो generally बहुत low temperature पे होता है, उसको हम लोग use करते हैं ice बनाने के लिए, कोई तो एक certain factory में पानी से ice में बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, वो लिक्विड अमोनिया को पानी में ऐड किया, मेरे को कितना ग्राम आइस बनाना है, 2 किलो आइस बनाना। बट इनिशियली जो था वो 2 किलो जो था वो क्या था, पानी था, वाटर, वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आइस, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई मेरे को बताएगा पानी सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है या स्टेट भी चेंज कर रहा है? पानी सिर्फ टेम्परेचर स्टेट चेंज कर रहा है या स्टेट चेंज कर रहा है या दोनों भी कर रहा है? सर 20 से 0 पे आया मतलब टेम्परेचर तो चेंज हुआ, टी चेंजेस मतलब क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी तो सर अप्लाई होने ही वाला है, एंड 0 पे आइस, पानी से आइस बना तो स्टेट चेंज हुआ, एस चेंज मतलब स्टेट चेंज, तो क्यू इज इक्वल टू एम एल भी अप्लाई होगा, मतलब सर दोनों भी हो रहा है, क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी भी और क्यू इज इक्वल टू एम एल भी। चलो तो ये तो हो गया। लिक्विड अमोनिया में क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली इवापोरेट हो रहा है ना भाई, वो डायरेक्टली इवापोरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये लिक्विड था ये इवापोरेट हो गया डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज, और फॉर्मूला क्या, क्यू इज इक्वल टू एम एल।
ये समझा है यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी, वहां पे Q इज इक्वल्स टू ML। मेरा क्वेश्चन है कौन हीट दे रहा है, कौन हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। अरे भाई ये जी 20 से जीरो पे आ गया, इसका टेम्परेचर भी कम हो और ये वाटर से आइस पे आ, मतलब ये हीट रिलीज कर रहा है, और ये लिक्विड से कन्वर्ट हो गया वेपर में, मतलब ये हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। कितना, जितना ये रिलीज करेगा उतना ही ये एब्सॉर्ब कर पाएगा। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, एम है पानी का 2 किलो, तो ये दोनों है। सी पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी 20 माइनस 0 20, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने याद करने बोला 540 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन 341 कैलोरी पर ग्राम। उन्होंने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, एम फाइंड कर। चलो स्टार्ट करते हैं। याद रखना है दो ही फॉर्मूला है, स्टेट चेंज के लिए ML, टेम्परेचर चेंज के लिए MC डेल्टा टी, दोनों के लिए दोनों का एडिशन, ठीक है गिवन। ठीक है मैं बोल रहा हूं M1 इज 2 किलोग्राम, बट मेरे को बाकी का सब कैलोरी पर ग्राम मतलब CGS में दिया है, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये मिलेगा 2000 ग्राम। नेक्स्ट T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी T1 माइनस T2 दैट इज 20 डिग्री, 20 माइनस 0 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सी नहीं दिया बट मेरे को पता है C1 इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। LV भी नहीं दिया बट मेरे को पता है LV1 इज 540, लेकिन LF चाहिए ना, फ्यूजन है इसके लिए, तो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा फ्यूजन के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम। ये किसके लिए हुआ, वाटर के लिए, तो यहाँ पे लिख लो फॉर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर लिक्विड अमोनिया, अब फॉर अमोनिया लिखो ना सिर्फ, फॉर अमोनिया क्या दिया, LV दिया है, LV2 LF1 और LV2, LV2 कितना है 341 कैलोरी पर ग्राम। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, M2 इज इक्वल्स टू कितना क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला तो सिर्फ दो ही है पूरे चैप्टर में, एंड वो दो फॉर्मूला इज Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T एंड Q इज इक्वल्स टू ML, दोनों अलग अलग, इज इक्वल्स टू ML मत लिख देना, अलग हो जाएगा नहीं तो कंसेप्ट ही उसका। नाउ अब यहां पे पहले बताओ कौन हीट दे रहा है कौन हीट ले रहा है। सिंस वाटर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, therefore it will release heat to convert from water to ice, तो लिखो since water is at 20 degree centigrade, therefore पूरा लिखना है therefore it will release heat to convert into ice at 0 degree centigrade। तो यहां पे पानी से आइस बना मतलब स्टेट चेंज, तो Q इज इक्वल्स टू ML एंड MC डेल्टा T टेम्परेचर चेंज, तो सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू सिंस वॉटर इज एट 20 degree centigrade देयरफॉर इट विल रिलीज हीट टू कन्वर्ट इंटू आइस एट 0 degree centigrade, therefore Q absorb, sorry release is Q1 plus Q2, जहां पे Q1 क्या है M1 C1 डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T प्लस M1 LF1, so therefore QR is equal to क्या मिलेगा, M1 कितना है 2000 into C1 is 1 into डेल्टा T is 020 प्लस M1 इज 2000 इंटू LF इज 80, सो therefore QR क्या मिलेगा 2000 इंटू 80 प्लस 20 इज 100,
इसको फिलहाल के लिए ऐसे रखो, इसको इक्वेशन नंबर वन। ऑल्सो अब अमोनिया क्या है, लिक्विड फॉर्म में, वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स। सिंस लिक्विड अमोनिया विल अब्सॉर्ब हीट टू कन्वर्ट इंटू वेपर्स, बट यहां पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज तो हुआ ही नहीं, तो क्यू एब्सॉर्ब क्या एम टू एल सिर्फ एल वी टू, दैट इज एम टू इंटू एल वी टू कितना 341। इसको इक्वेशन नंबर टू, सिंस बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल Q absorb is Q released, so therefore Q absorb कितना M2 into 341 is equals to Q released is 2000 into 100, so therefore M2 is equals to 2000 into 100 upon 341। अब यहां पे देखो कैलकुलेटर को यूज कर नहीं सकते हम लोग एग्जाम में, तो हम लोग को यहां पे हेल्प लेना पड़ेगा, 341 का टेबल भी नहीं आता है किसी को इतना, ठीक है, और टाइम नहीं है इतना कि सिर्फ 341 का कैलकुलेशन ही सिर्फ करते बैठे सम के लिए, तो बेटर ऑप्शन है अप्रोक्सीमेशन यूज करो, अप्रोक्सीमेटली 2000 इंटू 100 अपॉन 340 ना, बताओ फिर कैसे लाना है, क्या मैं 17 से डिवाइड करूं या 2 से, तो 217 जा 2000 जा 171 जा 17 5 जा 85 कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 20 चला गया 15 150 17 आउ मत जा 17 5 जा 185 17 6 जा 102 17 7 जा 119 17 8 जा, एक मिनट वेट करो, 17 5 जा 85 17 6 जा इज 102 17 7 जा इज 119 17 8 जा कितना हो जाएगा, या फिर 17 10 170 79 जा कितना होता है 70 माइनस करो उसमें से तो कितना हो जाएगा 153 नहीं चलेगा 178 जा उसमें से वापस माइनस करो 17 तो हो जाएगा कितना 136 बरोबर। ठीक है, सो 136 कितना बचेगा 14.140 अगेन एट जा 136 कितना बचेगा 402 बराबर ना, तो कितना हो जाएगा 58.82 इंटू 100 नहीं इंटू 10 तो ये मिलेगा 588.2 अप्रोक्सीमेटली, बट इसको 340 किया मतलब थोड़ा सा वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट है, बट ये थोड़ा सा मैंने नीचे का वैल्यू कम किया तो ऊपर का वैल्यू भी थोड़ा सा कम हुआ रहेगा बढ़ गया रहेगा सॉरी, तो फिर इसके लिए M2 इससे थोड़ा सा कम आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 588 ग्राम्स। क्लियर है, समझा है सबको कैसे करना है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है 588 है तो इसको 7 समथिंग ले लो, ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, देखो 2000 अपॉन 100 इंटू 341 अप्रोक्सीमेटली 340 लिया, 00 कैंसिल 17 का टेबल अप्लाई किया मेरे को कितना मिला 58.82 इंटू 10 588.2, बट नीचे वाला वैल्यू कम किया तो ऊपर वाला बढ़ता है भाई पता है अपने को, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर वाले को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 588 था मैंने उसको 587 कर दिया अप्रोक्सीमेटली दैट इज M2, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो M2 कितना मिलेगा 587 ग्राम्स। मैं सम रट्टा मार के नहीं जा सकता, मैं ये किसी को भी एडवाइज ही नहीं करता कि सम रट्टा मार के जाओ फाइनल आंसर, जरा सा भी वैल्यू चेंज किया ना पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, क्लियर है, तो दिमाग यूज करो वहां पे, रट्टा मत मार के जाओ, रट्टा मरवाते लोग, ठीक है करो। अच्छे से गो थ्रू करो क्योंकि बाकी के सम भी इस पे ही बेस्ड है।
चलो डन। ओके नाउ आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम्स आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैज टू बी मिक्स्ड टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी ऑब्टेन्ड। ध्यान से पहले बना के देखते साइड में। कितना दिया आइस? 150 ग्राम्स। थर्मली इंसुलेटेड मतलब ना तो अंदर से बाहर हीट आएगा ना बाहर से अंदर जाएगा। 150 ग्राम आइस एट शून्य। ठीक है नेक्स्ट कन्वर्ट करना है कितने में? 50 डिग्री पानी में। 50 डिग्री पे पानी में आइस से पानी बनेगा तो स्टेट चेंज तो Q इज इक्वल टू ML। पहले रफ में डिस्कशन कर लो पहले खुद के माइंड में सॉरी। और जीरो से 50 है मतलब टेम्परेचर चेंज तो एमसी डेल्टा टी चेंजेस। क्या मतलब दोनों भी होगा तो क्यू क्या मिलेगा मेरे को? एमएल प्लस एमसी डेल्टा टी। चलो ये तो आइस का हो गया। अब स्टीम की बात ही बारी है। स्टीम कितने पे है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको भी किसमें कन्वर्ट करना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी। तो क्या इसमें स्टीम से पहले पानी बना तो क्यू इज इक्वल टू एमएल एस चेंजेस और Q is equal to MC delta T की 100 से 50 पे आया T changes। Now who releases and who absorbs ये important है तो दोनों भी आएगा Q is equal to ML plus MC delta T। But important यहाँ पे ये कि कौन release कर रहा है कौन absorb कर रहा है। देखो भाई जिसका temperature बढ़ा वो absorb करेगा तो ये absorb करेगा, जिसका temperature कम हुआ वो release करेगा तो ये release करेगा। और Q absorb और Q release सेम हो जाएगा ये पता है अपने को by heat exchange principle। तो आगे बढ़ते हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर आइस पहले बात करते हैं। फॉर आइस की बात करते हैं कितना है मास? एम वन इज 150 ग्राम्स। ठीक है टी वन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड टी टू इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो डेल्टा टी विल बी टी टू माइनस टी वन दैट इज 50 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सी वन इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है नेक्स्ट इज अब यहां पे स्टेट चेंज हुआ इसका तो एल एफ कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम पानी का, ये याद रखना। नेक्स्ट फॉर स्टीम मास नहीं दिया उन्होंने। ठीक है सी पता है मेरे को 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली में ये पानी का है, ये जो सी ले रहे हैं ना हम लोग ये पानी का है। स्टीम का 0.5 आइस का भी 0.5 होता है बट आइस में जब टेम्परेचर कम होता मतलब -3 से -5 जाएगा तो मैं सी 1 नहीं लूंगा तब 0.5। 103 से 104 पे जाएगा तो 0.5 बट यहां पे क्या वो पहले कन्वर्ट हुआ वाटर में फिर टेम्परेचर कम हुआ तो सी वाटर का आएगा। क्लियर है? ओके नेक्स्ट टी वन इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी वन लिख ले टी टू इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी टू कितना हो जाएगा? टी वन माइनस टी टू दैट इज 100 माइनस 50 दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट एलवी दिया है कितना दिया वो 540 कैलोरी पर ग्राम, ये याद भी रखा है हम लोग ने। टू फाइंड क्या करना है? मास ऑफ स्टीम एमएस। फॉर्मूला तो दो ही है क्यू इजिकल टू एमसी डेल्टा टी एंड क्यू इजिकल टू एम एल। सिंस स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड देयरफॉर इट विल रिलीज हीट टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Therefore, QR is equals to क्या मिलेगा? Q1 plus Q2 क्योंकि दोनों भी हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज। स्टेट चेंज के लिए ML, टेम्परेचर चेंज के लिए MC डेल्टा T, LV, MS LV
एम एस एल वी प्लस एम एस सी डेल्टा टी टू, तो देयरफॉर क्यू आर क्या मिलेगा, एम एस नहीं पता कॉमन ले लू उसको मैं, एल वी कितना है, एल वी इज 540 प्लस सी कितना है 1 इंटू डेल्टा टी इज 50, तो ये मिलेगा एम एस इंटू 590, तो देयरफॉर क्यू आर कितना मिलेगा 590 एम एस, इसको इक्वेशन नंबर 1। सिंस आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड therefore it will absorb heat to convert into water at 50 degree centigrade, ms to find karna apne ko nahi pata ho, so therefore qa is equals to q1 plus q2, ab jagah nahi hai main direct likh raha hu yahan pe, q1 kya ho jayega m1 lf plus m1 c delta t1, m1 kitna hai 150 इंटू एल एफ कितना है 80 प्लस 150 इंटू सी इज 1 इंटू डेल्टा टी इज 50, सो देयरफॉर क्यू एब्सॉर्ब कितना मिलेगा अपने को 150 कॉमन, 150 इंटू 80 प्लस 50 इज 130 बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बराबर ना भाई 150 कॉमन 80 प्लस 30 इज 130। नाउ सिंस बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल क्यू एब्सॉर्ब इज क्यू रिलीज, so therefore q absorbed कितना है 1, q released is q absorbed ऐसा लिखते हैं इस टाइम क्योंकि उल्टा फाइंड करना है इस टाइम, q released कितना है 590 ms is equals to qa is 150 into 130, so therefore ms कितना मिलेगा 150 into 130 upon 590, 00 cancel तो 150 into 13 upon 59, 59 वन जा 59 टू जा ये डेफिनेटली राइट है, तो सोचो मत उस पर 59 टू जा कितना हो जाएगा 59 टू जा होगा अपना 118 परफेक्ट, ठीक है कितना बचेगा 32 पॉइंट आएगा, तो 320 59 फाइजा 59 जा होगा 45 फाइजा होगा 59 फाइजा आएगा 295 आई थिंक, करके चेक कर लो फट फिर भी 295, 320 से बड़ा होगा 59 सिक्स, तो 2.6 कितना बचेगा 320 माइनस करो इसमें से, सॉरी 295 माइनस करो 320 में से, टू फिफ्टी ये हो जाएगा 59 फोर जा, तो 2.64 इंटू 30, सो देयरफॉर एम एस इज 2.64 इंटू 30, ठीक है 13 फोर जा 52 5 कैरी बरोबर ना, 13 फोर जा 52 13 सिक्स जा 78 प्लस 5 यस 83, 13 टू जा 26 प्लस 8 34, 34.32 ग्राम्स आंसर आ रहा है मेरे को, एग्जैक्ट आंसर इज 34.32 ग्राम्स, ठीक है क्या आंसर आया 34.32 ग्राम्स, गो थ्रू करो फटाफट, ये यहाँ पे 6 में 5 आएगा ना एक्चुअली में, हाँ वो थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे 5 आएगा, तो हो जाएगा 13 फोर जा, एक मिनट वेट करो फिर, तो 13 फोर जा 52 5 कैरी, 13 फाइव जा 65 प्लस 5 70 7 कैरी, 13 टू जा 26 प्लस 7 इज 33, तो 33.02 ग्राम्स इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। यस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
फिर आगे बढ़ेंगे। दिख रहा नहीं है ढंग से, ये आएगा 33.02 ग्राम्स, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो डन, हाँ आगे बढ़ते हैं। अबे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कैलोरी मीटर एज मास 100 ग्राम्स एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। वन बाय वन, पहले कैलोरी मीटर एंड लिक्विड के लिए उसके। कैलोरी मीटर कितने पे है भाई? कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर में दो दो चीज है। अब इसका मास है कितना? 100 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, सॉरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ठीक है, उनको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका मास इस 250 ग्राम्स, स्पेसिफिक इट इज 0.4 किलो कैलोरी पर ग्राम किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये तो दिया हुआ है, ये कितने पे? ये 30 पे। बाद में भी क्या कैलोरी मीटर सॉलिड ही रहेगा भाई, और जो लिक्विड है वो लिक्विड ही रहेगा। उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ टी चेंज हो रहा है, और वो कितना हो रहा है वो फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर टी चेंजेस। तो फॉर्मूला क्या आएगा? क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। सर ऐसा कैसा? एक ही तो चेंज हो रहा है, तो क्यू वन प्लस क्यू टू कैसे? कैलोरी मीटर का भी टेम्परेचर चेंज, लिक्विड का भी टेम्परेचर चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू M1C1 डेल्टा T1 प्लस M2C2 डेल्टा T2। वापस एक्सप्लेन कर दो, कैलोरी मीटर और लिक्विड दिया, कैलोरी मीटर का मास है 100 ग्राम, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लिक्विड का मास दिया 250 ग्राम, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टी चेंजेस हो रहा है, सिर्फ टी चेंज हो रहा है, क्योंकि बाद में पूछा उन्होंने मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज होगा तो सिर्फ टी चेंज हो रहा है, बट रहेगा कैलोरी मीटर और लिक्विड ही, तो सिर्फ टी चेंजेस। क्यू क्या हो जाएगा? क्यू वन प्लस क्यू टू। ऐसा कैसे? क्योंकि दो मटेरियल है, कैलोरी मीटर और लिक्विड, तो M1C1 डेल्टा T1 प्लस M2C2 डेल्टा T2। ये बात हो गई कैलोरी मीटर और उसके लिक्विड की। अब अपने को क्या बोला? आइस दिया है, आइस जो होगा वो कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस कितने पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो कन्वर्ट तो होने वाला है वाटर, 10 ग्राम है उसका मास, कैलोरी मीटर का मास बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या मैं बोलू? टी तो चेंज हो ही नहीं वाला है पक्का ही, बट एस भी चेंज होगा। तो जब टी चेंज होगा तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एंड जब एस चेंज होगा तो क्यू इज इक्वल टू एम एल, दोनों चेंज हो रहे हैं तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल ना भाई, आया ना? अब ये तो ठीक है, ये समझ गया, इंपॉर्टेंट है हु विल रिलीज इट एंड हु विल अब्सॉर्ब इट। सर सिंपल है, कैलोरी मीटर जो है वो 30 पे, ये 0 पे, तो कैलोरी मीटर और लिक्विड हीट रिलीज करेंगे और आइस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। परफेक्ट आंसर है ये, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर गिवन फॉर कैलोरी मीटर, अलग अलग फॉर कैलोरी मीटर, ठीक है। कैलोरी मीटर का मास इस कितना? 100 ग्राम्स
ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, बट इश्यू है इधर अपने को चाहिए कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में, तो देखते हैं किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी अपॉन किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड 1000 तो वैसे ही आंसर तो कितना मिलेगा 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सी तो सेम रहने वाला है चाहे वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम में हो या कैलोरी पर ग्राम में हो। T1 इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इज P, बट अपने को पता है डेल्टा T जो होने वाला है दैट विल बी 30 T1 माइनस T, दैट इज 30 माइनस T ना फॉर लिक्विड। मास कितना दिया उसका लिक्विड का, मास इज 250 ग्राम्स। C2 कितना दिया है, C2 इज 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना हो जाएगा भाई 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी तो सेम ही भाई, कैलोरी मीटर के अंदर ही है लिक्विड, तो जितना कैलोरी मीटर का टेम्परेचर पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, सॉरी लिक्विड का रहेगा, और जितना मिक्सचर का होगा उतना ही यहां पे भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा डेल्टा टी 30 माइनस टी। नेक्स्ट इज फॉर आइस, आइस के लिए मास इज, मास कितना दिया आइस का 10 ग्राम, सी कितना है, अरे वन ना भाई क्योंकि पानी में कन्वर्ट होने के बाद में वो टेम्परेचर बढ़ाने वाला है। आंसर इज सी इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट T1 इज 0, T2 कितना, T2 विल बी T, क्योंकि मिक्सचर का तो सबका सेम ना भाई, कैलोरी मीटर में जाने के बाद में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो जितना कैलोरी मीटर का है जितना लिक्विड का और जितना आइस का है उतना ही सबका टेम्परेचर सेम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी विल बी टी माइनस 0 दैट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। M3 C3 डेल्टा T3 मिला, बट एक और चीज चाहिए यहाँ पे LF दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए दैट इज LF इज 80 कैलोरी पर ग्राम। नाउ कौन हीट रिलीज कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कैलोरी मीटर और लिक्विड रिलीज कर रहे सर, तो सिंस कैलोरी मीटर एंड लिक्विड इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड देयरफॉर इट विल रिलीज हीट टू कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट नहीं टू फॉर्म अ मिक्सचर विथ व्हेन पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप इन इट। सो क्यू रिलीज कितना मिलेगा, Q1 प्लस Q2 दैट इज M1C1 डेल्टा T1 प्लस प्लस M2C2 डेल्टा T1। ना M1 कितना है, M1 इज 100, C1 कितना है 0.1 इंटू डेल्टा T1 इज 30 माइनस T, ठीक है, प्लस M2 इज 250 इंटू 0.4 इंटू 30 माइनस T, कुछ कॉमन 30 माइनस T सर, तो QR क्या मिलेगा 30 माइनस T इंटू 100 इंटू 0.1 इज 10 प्लस 250 इंटू 0.1 25 इंटू 4 इज 100 आ जाएगा ये 110 इंटू 30 माइनस T मिलेगा। सिंस आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देयरफॉर इट विल एब्सॉर्ब इट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन कैलोरी मीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सो देयरफॉर क्यू एब्सॉर्ब, यहां पे दोनों भी होगा टेम्परेचर चेंज भी और स्टेट चेंज भी, क्यू इज इक्वल्स टू M3L3 प्लस M3C2 डेल्टा टी
टू शुरू हो जाएगा एम थ्री कितना है 10 इंटू 80 प्लस एम थ्री कितना है 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा पी इज टी माइनस जीरो दैट इज टी ना भाई टी आएगा था मैं डायरेक्ट सो देयरफॉर क्यू एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा कुछ कॉमन 10 कॉमन बट ठीक है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 800 प्लस 10 टी 10 कॉमन लिया तो मिलेगा 10 इंटू 80 प्लस टी बराबर ना नाउ सिंस बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल क्यू आर इज इक्वल टू क्यू ए सो देयरफॉर 30 माइनस टी इंटू 110 इज इक्वल टू 10 इंटू 80 प्लस टी जीरो जीरो कैंसल सो मिलेगा कितना 30 इंटू 11 11 जीरो था 0 11 3 था 33 माइनस 11 टी इज इक्वल टू 80 प्लस टी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8 से सॉल्व करते आ रहे हो कर सकते हो ये तो इस साइड टी इस साइड आएगा तो माइनस ये उस साइड जाएगा तो माइनस 330 मिलेगा कितना माइनस 12 टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है वही ध्यान में रखना पहला चीज 250 माइनस माइनस कैंसल सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 250 अपॉन 12 12 वन सा 12 टू सा 24 कितना बचेगा 1 जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट 100 12 8 सा 96 तो तुम लोगों को टेम्परेचर मिलेगा मिक्सचर का 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जब 10 ग्राम आइस डालोगे तुम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो था कैलोरी मीटर में जो 30 डिग्री पे था तो उसका फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का बनेगा वो कितना 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर है एंड विद दिस हम लोग ने पूरे सम्स खत्म किए अब मैं सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बचा वो कराऊंगा अभी ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी का वो करने से पहले अच्छे से गो थ्रू कर लो अच्छे से लिख लो पूरा क्लियर है चलो डन चलो ट्राई करते थोड़ा फटाफट समझने के लिए सिंपल ही वैसे ना बात करते ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी बहुत सिंपल है समझते अच्छे से नाउ हमारा जो अर्थ है उसमें अराउंड 71% जितना तो पानी है अब ये 71% जितना अगर पानी है तो उसके एटमोस्फियर में इवोपोरेशन तो होते ही रहता है बराबर ना भाई इवोपोरेशन क्या सिंपल चीज है पानी ऐसा पोछा मारते हो तभी भी इवोपोरेट हो जाता है मतलब वो जाता कहां पे क्या गायब हो जाता है क्या नहीं वो कन्वर्ट हो जाता है ना वेपर्स में भाई मतलब क्या बोलूं वो हवा में मॉइस्चर की तरह प्रेजेंट होता है पता है ना वो क्या हवा में मॉइस्चर की तरह प्रेजेंट होता है पता है कभी कभी हम लोग ठंडी के टाइम पे जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं गांव साइड में देखा रहेगा कि जब छोटे छोटे पौधे उसमें पानी लगा हुआ रहता है कहां से आए पानी पानी डाल के गया कोई रात को आके नहीं वो जो था वो पानी कंडेंस हो गया जो वाटर वेपर में प्रेजेंट था टेम्परेचर कम होने की वजह से अभी सेम चीज है यहां पे तो मॉइस्चर कंटेंट तो प्रेजेंट ही होता है एयर में तो ये जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट जो प्रेजेंट है ना एयर में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं पहला डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर इज द ह्यूमिडिटी समझा पूरा अभी तक क्या एट अभी अराउंड 71% जितना जो है वो हमारा अर्थ जो है वो पानी से ही है तो इवोपोरेशन होते रहता है यहाँ पे ठीक है तो इवोपोरेशन होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट या एयर के अंदर वाटर वेपर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारा है ठीक है मॉइस्चर कंटेंट के रूप में तो ह्यूमिडिटी क्या है तो ह्यूमिडिटी वही है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर नाउ अब यहाँ पे तीन कंडीशन होता है एयर पे ठीक है मॉइस्चर प्रेजेंट होने का एक होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड ओवर सैचुरेटेड ये होगा नहीं कभी
ना समझाता हूं मैं क्या है। अनसेचुरेटेड ओवर सेचुरेटेड में क्या फर्क है, बेसिक एग्जांपल से समझ। समझो एक बकेट है मेरे पास, इसका कैपेसिटी है 20 लीटर्स, मैंने इसमें फिल किया 10 लीटर्स, तो आधा फिल होगा। क्या मैं बोलू ये और 10 लीटर फिल कर सकता है, अभी भी और जगह है उसमें। ये जो कंडीशन है ये अनसेचुरेटेड कंडीशन है, ये अनसेचुरेटेड है। मैंने 20 लीटर का कैपेसिटी था, पूरा 20 लीटर फिल किया। क्या मैं बोलू और फिल नहीं कर सकता, ये सेचुरेटेड का कंडीशन है। मैंने 20 लीटर का जगह था, मैंने 30 लीटर फिल किया, तो आधा तो बाहर गिर जाएगा, आधा मतलब 10 लीटर बाहर गिरेगा, ये ओवर सेचुरेटेड का कंडीशन। क्लाउड के लिए एग्जांपल बहुत हेल्प कर इसके लिए, बाद में मैं बताता हूं ड्यू पॉइंट के लिए समझेगा। अब इसका एक और एग्जांपल है, ठीक है, कि हम लोग को भूख लगा। जनरली ना मैं 4 रोटी जितना खा लेता हूं, ठीक है, तो वो क्या है मेरा सेचुरेशन कंडीशन है 4 रोटी का। रवि सब्जी अच्छा नहीं बना है, पसंद नहीं आ रहा, तो मैं 2 रोटी में बस हो जाता, वो क्या है, वो अनसेचुरेटेड है, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा बट मन भर गया बस, तो वो अनसेचुरेटेड कंडीशन है। मैं और 2 रोटी चाहिए तो खा सकता हूं उसके जगह पे, और फील कर सकता हूं कुछ ना। तो 4 रोटी चाहिए, सब्जी भी ठीक ठाक बना है, तो मैंने 4 खा लिया। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसका है पता है, ये कंडीशन है सेचुरेशन का, 4 का 4 बराबर मिल गया बेसिकली, क्लियर है। ये किसका कंडीशन है, सेचुरेशन, क्लियर। नाउ अब मेरे को 4 रोटी का जगह, बट सब्जी जो बनाया ना तगड़ा बनाया फेवरेट, तो मैंने 4 की जगह 6 खा लिया। वो जो 6 खाया ना उसमें से 2 अपने को आगे जाके भारी पड़ेगा, ठीक है, बट वो क्या कंडीशन होगा, वो ओवर सेचुरेशन का कंडीशन। तो ऐसे समझ सकते हो, तो 3 कंडीशन है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड ओवर सेचुरेटेड। चलो सर ये समझा, बट ये समझा क्यों रहे हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना पानी होना चाहिए ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे अपन बारिश के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। अब क्या होता है ना यहाँ पे कि ये जो समझो एक पानी जैसे बकेट लिया हम लोग ने, उसमें कैसा 3 कंडीशन था, 20 लीटर था, 10 लीटर भरा तो 10 और भर सकते थे, 20 का 20 भरा खत्म हो गया, 30 भरा तो 10 बाहर निकल जाएगा। वैसे जो क्लाउड है ना, या जो वेदर जो है या एटमॉस्फेयर जो है, उसका भी कुछ होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, पकड़ने का, भर के रखने का। वो जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर। ये जो कंटेनर है ये टेम्परेचर है अपना बेसिकली, ऐसा आप समझो, तो वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। नाउ ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो सैचुरेट करने का जो एयर का क्वांटिटी वो डिफरेंट है। मतलब सैचुरेशन मतलब हम लोग 1 किलोग्राम का फाइंड करते हैं जनरली, 1 किलोग्राम लेते हैं, तो ये सैचुरेशन कंडीशन करने का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चाहिए, तब जाके सैचुरेट होगा, समझ रहे ना। अभी एक बकेट है, एक का कैपेसिटी 20 है, दूसरे का कैपेसिटी 30 है, तो डिफरेंट डिफरेंट पानी भरेगा ना भाई, सैचुरेशन डिफरेंट हो जाएगा, ये 20 में हो जाएगा, वो 20 में नहीं होगा। तो सेम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट सैचुरेशन का अमाउंट होता है मॉइस्चर कंटेंट का, क्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होता है मॉइस्चर कंटेंट का। अब ये ऐसा नहीं लीनियरली वेरी नहीं करता, ऐसा स्ट्रेट लाइन वेरी नहीं करेगा ये कि 0 पे 0, ठीक है, 1 पे 1, 2 पे 2, ऐसा नहीं, ये वेरी करता है थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्या कि जितना टेम्परेचर कम होगा ना, उतना तुम्हारा जो सेचुरेशन करने का जो बेसिकली ये है, होल्ड करने का जो कैपेसिटी, वो भी पानी का कम हो जाएगा। मतलब एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर लगता है 1 किलोग्राम एयर में, 49 ग्राम्स ऑफ H2O वेपर एट 1 किलोग्राम ऑफ फॉर 1 किलोग्राम ऑफ एयर, इतना लगता है अपने को उसको सैचुरेट करने के लिए। 40 डिग्री पे कितना, 49 ग्राम लगेगा 1 किलोग्राम ऑफ एयर को सैचुरेट करने के, 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। बट वही अगर 20 डिग्री पे बात करूं
तो 20 डिग्री पे अगर ऐसा लीनियरली वेरी करता तो इसका हाफ हो जाता 24.5, बट ऐसा नहीं, 20 डिग्री पे उससे भी कम 14.7 ग्राम में ही सैचुरेट हो जाए ऑफ H2OV फॉर 1 किलोग्राम ऑफ एयर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 किलोग्राम में कितना वाटर वेपर होना चाहिए 40 ग्राम, तब जाके वो सैचुरेट होगा, मतलब फील हो जाएगा पूरा जितना चाहिए उतना फील हो चुका है। 20 डिग्री पे कितना चाहिए उसको, बहुत कम 14.7 ग्राम चाहिए सिर्फ 1 किलोग्राम एयर। अगर 10 किलोग्राम होता तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर 490 हो जाता, इसको 10 से 447 ग्राम चाहिए रहेगा, तो ऐसे वो डिपेंड करेगा, बट हम लोग ने एक यूनिट के लिए लिया और वो यूनिट कितना है 1 किलोग्राम। क्लियर है? नाउ इसके बाद में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, आगे का पार्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, ये ग्राफिकल फॉर्म में वेरी कर रहा है। अगर लीनियर होता तो 49 पे 40 है, 40 पे 49 है, तो 20 पे कितना होता 24.5, बट ऐसा नहीं है। ये 40 पे कितना है 49, बट 20 पे कितना है, 20 पे है कहीं पे 14.5, तो इधर कहीं पे आएगा, इधर कहीं पे, तो ये ऐसा वेरी करेगा, समझ रहे हो, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, बेसिकली एक कर्व बनेगा तुम्हारे, ठीक है। चलो अपने को ग्राफ वगैरह बनाना नहीं है, अब क्या होता है देखते हैं। तो इतना समझा पहले, अब आगे का पार्ट समझो। मेरे पास ना एक टेम्परेचर है, ठीक है, समझाता हूं मैं पहले, उसके लिए एक एग्जांपल है। समझो मेरे पास एक बकेट है, ठीक है, जिसका कैपेसिटी है 20 लीटर। कितना कैपेसिटी है 20 लीटर पे वो सैचुरेट हो जाता है। मैंने उसमें लेकिन 20 नहीं भरा, मैंने उसमें भरा 10 लीटर, और मैंने ऊपर से नीचे से नहीं ऊपर से थोड़ा सा कट किया, तो इसका वाटर का लेवल बढ़ गया बट सैचुरेशन रिच नहीं हुआ। मैंने और कट किया, बढ़ गया लेवल बट सैचुरेशन रिच नहीं। मैंने और कट किया, सैचुरेशन अब भी रिच नहीं। मैंने और कट किया, एक पॉइंट के बाद में सैचुरेशन लेवल रीच हो चुका है। अगर मैं और कट करूंगा तो ये जो पानी ये बाहर बह जाएगा ना भाई। सेम केस होता है क्लाउड के साथ। क्लाउड में समझे एक टेम्परेचर पे जो कटिंग वाला पार्ट है, जो कंटेनर का पार्ट है, वो कौन काम कर रहा है, इधर टेम्परेचर का काम कर रहा है। तो समझो एक टेम्परेचर पे वो अनसेचुरेटेड है। मैंने टेम्परेचर कम किया और कम किया और कम किया, क्या मैं बोलूं एक टेम्परेचर पे फिर वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट में कन्वर्ट हो जाएगा अनसेचुरेटेड। अब अगर मैंने उससे कम टेम्परेचर किया तो वो क्लाउड होल्ड नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। यही रीजन है बारिश होने, ये जो टेम्परेचर है जहां पे तुम लोग ने पहले जो अनसेचुरेटेड एयर था वो कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या अनसेचुरेटेड था, मैंने क्या किया, कम किया टेम्परेचर, कम किया कम किया कम किया, एक पॉइंट पे वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो जिस टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ वो उधर के वेदर के लिए हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है? तो टेम्परेचर एट विच द अनसेचुरेटेड एयर कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड और सैचुरेशन इज अचीव्ड इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सबको समझाया ड्यू पॉइंट क्या? अब आगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगर उससे भी कम कर दिया फिर क्या हो जाएगा, बारिश होगा। क्लियर? अब आगे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, आगे का डिस्कशन क्या है। तो अभी हम लोग जो मेजर करते हैं ना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, वो मेजर करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब क्या, मैं फाइंड करता हूं कि कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एक यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और उसका SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक और टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम जो है तुम्हारा सैचुरेटेड ही रहेगा,
तो कुछ टाइम सैचुरेटेड नहीं भी होगा. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर. मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, मास ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, इन अ यूनिट वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर टू मास ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम या फिर एट अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन अ यूनिट वॉल्यूम टू सैचुरेट एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इंटू 100. इसको जनरली हम लोग मेजर करते हैं परसेंटेज में. तो किसी ने पूछा, मैं वापस सब डेफिनेशन, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच अनसेचुरेटेड एयर कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड एयर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर टू मास ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम टू सैचुरेट एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% भी हो सकता है, ये जब 100% होगा तब बारिश होगा. अब अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो उसको हम लोग वेट बोलते हैं, जो वेदर है वो वेट है, और अगर 60% से कम है तो उसको हम लोग ड्राई बोलते हैं. ठीक है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिटलेस है. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन होगा, ह्यूमिडिटी इज मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, दोनों अगर सेम है तो वो भी रेशियो है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई यूनिट नहीं. जब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा तब रेनफॉल होगा. जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो वो हो जाएगा वेट, और अगर 60% से कम है तो वो जो क्लाइमेट होगा उसको ड्राई बोलते हैं. एक लास्ट पार्ट, तुम लोग ने बहुत टाइम नोटिस किया रहेगा कि गर्मी के टाइम पे तुम लोग को एरोप्लेन का ट्रेल वगैरह कुछ नहीं दिखता अगर ऊपर से जा रहा है, बट ठंडी के टाइम पे तुम लोग को उसका ट्रेल वगैरह दिखता है. अब होता क्या है कि गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो बाहर आ रहा है गैसेस, जो बाहर आ रहा है वो कन्वर्ट नहीं होता इतना इजीली. बट विंटर के टाइम पे क्या होता है, जो गैसेस बाहर है वो फट से कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद में अपने को एक व्हाइट ट्रेल दिखाई देता है. गर्मी के टाइम पे बहुत रेयरली दिखाई देगा क्योंकि वो फट से स्कैटर हो जाता है. क्लियर है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर. ठीक है, एंड विद दिस हमारा पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है. ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिर्फ अपने को गो थ्रू अच्छे से करना है. ठीक है, एंड विद दिस हमारा पूरा हीट खत्म होता है. ठीक है, चलो बाय.